हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मैदे की सब्जी। अगर घर में कोई भी सब्जी ना हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप मैदा, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। तो डो हम थोड़ा टाइट रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट हम इसका डो नहीं लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डो जो है थोड़ा टाइट है। अब हम इसे ढक कर साइड में रख देंगे और इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम एक मिक्सिंग जार और इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से अदरक लिया है 1.5 से 2 इंच, 10 से 11 लहसुन की कली, आप देख सकते हैं लहसुन जो है थोड़ा बड़ा है, और 7 से 8 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। इन सभी चीज़ों को हम जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा टमाटर, टमाटर को मैंने काट लिया है, इसे भी डालकर हम इसी में पीस लेंगे। इसे भी मैंने पीस लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और मैदा को हम एक बार मिला लेंगे। तो हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर हम इसे मिलाएंगे। और अब हम इसका छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे हम पहले चिकना कर लेंगे, इस तरीके से पेड़े की तरह बना लेंगे। इसमें हम सूखा मैदा लगाएंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसे हम एकदम पतला बेलेंगे, जितना पतला हो सके उतना पतला हम इसे बेल लेंगे। इसे मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, अगर ये मोटा रहेगा तो सब्जी खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे एकदम पतला बेलें, अगर बीच में ज़रूरत हो तो आप इसमें सूखा मैदा लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना ज़्यादा पतला बेला है, बिल्कुल इसी तरीके से इसे बेलना है। और अब हम इसे ग्लास की मदद से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे, जितना आ सके उतना हम इसमें निकाल लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा बच गया है उसे हम निकाल कर फिर से बनाने में यूज कर लेंगे। और ये जो राउंड शेप है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उंगलियों की मदद से हम इसे चिपका देंगे। उंगलियों की मदद से हम इसे चिपका देंगे दो जगह, ये देखिए इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी को बेल कर कट करके फोल्ड कर लेंगे। आप इस तरीके से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए, और इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सभी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए इधर गैस पे मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है, तेल अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके ये डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये तुरंत ही फ्राई हो जाता है, उलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, इसका ज़्यादा कलर हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में ज़्यादा तेल था तो इसके लिए इसमें से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है और अब हम इस तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में लिया है 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, इलायची को मैंने खोल करके लिया है, 2 से 3 हम लौंग डाल देंगे, जावित्री, 2 से 3 छोटा छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम तेल में डालकर थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 प्याज। प्याज को मैंने इस तरीके से लंबे में कट कर लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते भी रहेंगे ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। ये देखिए प्याज अब गोल्डन हो चुका है, ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को जो मैंने पीस कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को हम अभी हाई ही रखेंगे। बीच में इसे हम एक बार चला देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर लेंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। आप चाहें तो डालें वरना इसे स्किप कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, इसे हम मिला लेंगे। मसाला जले नहीं उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम मसालों को 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते भी रहेंगे। अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसे हम एक बार मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास पानी डाला है, इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच हम इसमें मीट मसाला डाल देंगे, आप इसकी जगह पर चिकन मसाला या फिर किचन क्वीन मसाला भी डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे हम मिला लेंगे। ग्रेवी में हम उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है, 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे इसी तरह उबलने देंगे। ग्रेवी को उबलते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये जो फ्राई किया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे, इसे हम एक बार मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सब्जी कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने से ही, और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैदे की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें।